हेलो दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सरकार ने दिया है गरीबों को एक बड़ा तोहफा। जी हाँ भाई, 1 जून से पूरे देश के अंदर आप कहीं पर भी खरीद सकोगे राशन। यानी कि आप किसी भी राज्य को हो, आप वहीं पर अपने राशन कार्ड से फ्री राशन पा सकते हो। साथ ही हम आपको बताएंगे पूरी स्कीम के बारे में जानकारी, ये किस प्रकार कहाँ कहाँ लागू होगी, किन किन राज्यों में होगी, उसकी सारी जानकारी छोड़ में बताएंगे। साथ ही अगर आप हमारे द्वारा लिस्ट में नाम जुड़ाकर फ्री राशन पाना चाहते हो तो वीडियो को नीचे अपना पूरा नाम कमेंट कर देना, ताकि आप भी इस योजना का लाभ लेकर फ्री राशन पा सको। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामने भाइयों वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, यहाँ से लाइक कर दें वीडियो को। फिर उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर तीर के बटन से शेयर कर दें। शेयर करते ही यहाँ पर फेसबुक या व्हाट्सअप, इन दोनों पर से किसी पर भी आप शेयर कर दो वीडियो को। शेयर करने के बाद भाइयों चैनल को सब्सक्राइब, ये बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ये बेल आइकन निशान आएगा घंटे का, इस घंटी पर बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। देखिए भाइयों, केंद्र सरकार ने 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाने जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार यह कह चुका है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को अपनाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं उनको इस योजना का लाभ ले सकें और वो अपने राशन कार्ड द्वारा कहीं पर भी फ्री में राशन पा सके। इसलिए 1 जून से पूरे देश के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी, तो पूरे देश के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा रहा है। पासवान जो मंत्री है उन्होंने कह दिया है, इस पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। रामविलास पासवान ने कहा कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है और उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड जैसे 3 और राज्य भी तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए तैयार हैं। यानी कि 20 राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। 20 राज्यों में अब चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है पुराना वाला तो आप फ्री में राशन पा सकोगे, जो कि सभी जगह उचित मूल्य की दुकान होती है, जहां पर गेहूं अनाज मिलता है फ्री में, वहां से आप फ्री में इस योजना का लाभ पा सकते हो। सरकार ने कहा कि पुराने कार्ड से ही मिलेगा राशन। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन डीलर से अपने कार्ड का राशन ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि पुराना राशन कार्ड ही सरेंडर करना होगा और नए कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी, आपको पुराने राशन कार्ड से ही फ्री में राशन मिल जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहते हैं इसका लाभ क्या क्या मिलेगा वो सुनिए। भारत का कोई भी कानूनी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। इस राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए की दर से मिलेंगे और जो गेहूं अनाज मिलता है वो 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा भविष्य में। यानी कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो सरकार फ्री में सभी को राशन दे रही है, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा बाद में आपको 5 किलो चावल मिलेगा 3 रुपए की दर से और गेहूं मिलेगा 2 रुपए किलो की दर से। तो भाइयों हो जाइए आप भी खुश, 1 जून से पूरे देश के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी, जिसके तहत आप कहीं पर भी अपने राशन कार्ड से फ्री में राशन पा सकते हो। तो भाइयों सभी देशवासियों के लिए खुशखबरी है। साथ ही भाइयों आप हमारे द्वारा लिस्ट में नाम जुड़ाकर फ्री वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत अपना नाम जुड़वाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे तुरंत अपना पूरा नाम कमेंट कर देना, ताकि भविष्य में आपका जब राशन कार्ड बने तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए वीडियो के नीचे अपना पूरा नाम अवश्य कमेंट कर देना, ताकि आपको भविष्य में इसकी सहायता पूरी पूरी मिलेगी। साथ ही जो भाई वीडियो को 5 या 6 ग्रुपों में शेयर करेगा उसकी सहायता हम जल्द जल्द करेंगे, इसलिए वीडियो को देखते ही 5 या 6 ग्रुपों में शेयर कर दे, ताकि ये वीडियो पूरे देश भर में पहुँच जाए और सही मजदूरों को खुशखबरी मिल जाए। तो भाई वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।